नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। इस प्यारी सी सुबह उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स देखने के लिए तैयार हो गए होंगे। अच्छे तरीके से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि एकदम अकाल पड़ जाता है, फालतू की न्यूज उठा के करंट अफेयर्स में डालनी पड़ती है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आपको देना ही है। दूसरा पॉइंट ये कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन सी न्यूज छोड़े, तो आज कुछ वैसे ही रह गया कि भाई कौन सी छोड़ी जाए जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी बहुत सारी न्यूज आपके स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह पहला पड़ोसी देश कौन सा बना जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है। तो व्हाट इज एयर बबल समझौता, एयर बबल समझौता क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, नहीं किया ना, कर दो, अच्छा ही होने वाला है। पहली जानकारी जो है ये तो आप लोगों ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण सुना होगा जो उन्होंने संबोधन किया था राष्ट्र को 15 अगस्त के दिन, तो यहां पर उन्होंने एक बात की थी कि एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए जिसमें मोहल्लों को नहीं, जिसमें जिलों को नहीं, जिसमें प्रदेशों को नहीं, बल्कि 140 देशों को आपस में कनेक्ट किया जा सके। और ये सारे के सारे 140 देश जो होंगे वो ऐसे देश होंगे जो सोलर पावर में संपन्न है। सोलर पावर से संपन्न का मतलब ये हुआ कि जो भूमध्य रेखा पर यानी कि आपकी इक्वेटर लाइन पर जो देश पाए जाते हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से वहां पर सूर्य को एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में, या जिसे हम लोग गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम में है। अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। फिलहाल आइए पढ़ते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़िएगा ध्यान से क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG या OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि एक सूर्य एक संसार और एक ग्रिड योजना के बारे में बात की। इस योजना को बारे में जो संकल्पना की गई थी, वैसे तो ये 2018 में ही इन्होंने संकल्पना कर ली थी, 2018 में ही इसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन हाल फिलहाल अब इसको जमीन पर उतारने का समय आ गया है। तो हाल में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार OSOWOG 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ने की परियोजना है जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। OSOWOG मंत्र के पीछे जो दृष्टि है, जो इसका मोटो है, वो ये है कि द सन नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं डूबता, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर वो चमकता ही रहता है, कभी इस गोलार्ध पे तो कभी उस गोलार्ध पे। ये जो योजना है इसमें तीन स्तर है। सबसे पहले इस योजना का जो स्तर होगा, प्रथम चरण में भारत में जो ग्रिड बनाया जाएगा उसको मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड से जोड़ा जाएगा। मतलब कि अलग अलग देश जो हैं वो अपने यहाँ ग्रिड बनाएंगे छोटे छोटे, अपने हिसाब से, मतलब देश के हिसाब से छोटे, इस ग्रिड के मामले में तो छोटा ही होगा वरना देश के हिसाब से तो बहुत बड़ा ग्रिड होगा। उन ग्रिड को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी पहले फेज में। सेकेंड फेज में उन सभी ग्रिड का जो कनेक्शन आ जाएगा उसको अफ्रीका में ट्रांसफर किया जाएगा, बिकॉज अफ्रीका जो है एक ऐसा कंट्री है जो भूमध्य रेखा के मतलब बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, भूमध्य रेखा उसके ठीक बीचों बीच से गुजरती है। तो वहां पे कई सारे ऐसे कंट्री आपको मिल जाएंगे जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वो सभी सौर ऊर्जा संपन्न देश हैं। जब वहां से हम जोड़ लेंगे तो तीसरे फेज में हम क्या करेंगे, उसको ग्लोबली इसको कनेक्ट करेंगे, यानी जहां जहां बिजली नहीं पहुंच पाती, जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां सूर्य द्वारा बिजली नहीं बनाई जा सकती, ऐसे हैं बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर सूर्य बहुत कम दिखाई देता है या फिर दिखता ही रहता है, तो उनको बाद में इसमें कनेक्ट किया जाएगा। ये आपके लिए पॉइंट टू रिमेंबर क्या होना चाहिए, पॉइंट टू रिमेंबर ये होना चाहिए कि इस फुका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए OSOWOG का, कितने देश इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, 140 देश इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो इसमें काम कर रही है, MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी काम कर रही है, तीन फेज की कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। मैंने बोला कि ये एक ऐसा गठबंधन है, उन देशों का गठबंधन है जो सौर ऊर्जा से संपन्न है, ताकि सौर ऊर्जा को एक ऊर्जा के विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सके और
हमारे जो छह ऊर्जा स्रोत हैं यानी कि जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी जो स्थापना थी वो 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की गई थी। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई एक पहल का परिणाम है और उन्होंने इसमें सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम में उद्बोधन के द्वारा इसकी स्थापना की थी और इसमें साथ में फ्रांस भी आया था, हमारे साथ फ्रांस भी आए थे। तो फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रांकोइस ओलांदे और नरेंद्र मोदी ने मिलकर इसकी संकल्पना को आगे बढ़ाया था। वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं वो उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस अकेला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। इनको पहचानते हैं आप, कौन है ये? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। इन्होंने अभी हाल ही में एक येलो चेन नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है। येलो चेन क्या है? येलो चेन नाम का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपना जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम में क्या होता है कि जो भी किसान है या जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में फ्लिपकार्ट या अमेजन के तरीके उस पर अपनी पूरी डिटेल डाल देते हैं और जो बायर होते हैं जिनको वो खरीदना होता है वो वहां से खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने। तो येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा जहां कोई भी विक्रेता सेवा प्रदाता व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों ट्रेडों और कौशल और सेवाओं वगैरह को अपलोड करेगा और उसके बाद जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। सिंपल सा मार्केट प्लेस है। बस आपको ये याद रखना है कि येलो चेन मार्केट प्लेस किसने शुरू किया है? ये नागालैंड ने शुरू किया। इसमें नाई इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर पेंटर बढ़ई जल सेवा आगे सब आ जाएगा उसके अंतर्गत। बाकी का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुरू किया है येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स पोर्टल। भारत के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक एकीकृत ई कॉमर्स पोर्टल है जिसको जेम कहा जाता है। जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगली जानकारी की तरफ चले तो ये जानकारी आजकल लगता है किरण रिजिजू जो पूरे तरह से पूरे इंडिया को फिट बनाने में लगे हुए हैं। कल ही हमने देखा था कि इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की थी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में और अब एक इन्होंने फिट इंडिया क्लब बना दिया। फिट इंडिया क्लब के सदस्यों का काम क्या रहेगा? जो लोग आलसी हैं, जो लोग दौड़ना नहीं चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्लब के सदस्य काम करेंगे और इस तरीके से पूरे भारत को स्वस्थ बनाने की बात छेड़ी गई है। COVID-19 के दौरान हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, हम सभी ने देखा कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, तो हम COVID-19 से बड़े अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि COVID-19 जैसे वायरस अक्सर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने पर ही भारी पड़ते हैं। तो हाल फिलहाल फिट इंडिया क्लब किरण रिजिजू जी ने शुरू किया है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल की शुरुआत की गई है। फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय योजना स्काउट्स एंड गाइड्स एनसीसी सहित अन्य युवा संगठन देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण करेंगे और एक क्लब बनाएंगे। यानी कि हर आपको हो सकता है कि आपको भी अपने सिटी में ये देखने को मिल जाए कि फिट इंडिया यूथ क्लब बन गया। अगर ऐसा होता है तो आपको उसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ज्यादा शरीर की बात आती है जब हम व्यायाम वगैरह की बात करते हैं या एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो अगर आपका कोई साथी नहीं है तो आप अकेले जाओगे एक दो दिन। मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता है कि मैं एक दो दिन करता हूं, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा डल फील होने लगता है, आलस आने लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार करें तो कम से कम इस तरह के क्लब अगर आपके शहर में आते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। फिट इंडिया यूथ क्लब किसने शुरू किया है? खेल मंत्रालय ने। और फिट इंडिया यूथ क्लब का प्रत्येक सदस्य अपनी दिनचर्या में 30 से 60 मिनट की फिटनेस गतिविधियों में देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा और फिट इंडिया फ्रीडम रन को फिट इंडिया यूथ क्लब द्वारा अपनी पहली पहल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन जो है ये महात्मा गांधी की जन्मतिथि तक चलेगी, 192वीं जयंती जो होगी। तो 15 अगस्त को इसको शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2020 तक ये चलती रहेगी। हाल फिलहाल इसमें क्या है, इसमें आप अपने हिसाब से अपना समय निकालकर मैराथन कर सकते हैं। मैराथन का टाइम जो होगा वो जीपीएस के थ्रू आपको वहां पर पंजीकरण करना पड़ेगा। ये वेबसाइट का पोर्टल है और इसी पे कहीं पर एक रजिस्ट्रेशन है, ये फिट इंडिया सर्टिफिकेशन वाला पोर्टल है, इसी पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अभी तक इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल यानी कि सुशील सिंह देसवाल जी इस साल मार्च में
से बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, यानी आईटीबीपी के जो हेड थे हमारे एसएस देसवाल, डायरेक्टर जनरल हैं, वो अभी तक बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन अब बीएसएफ को क्या कर दिया गया है, उसको एक डायरेक्टर जनरल दे दिया गया है जिनका नाम है राकेश अस्थाना। अस्थाना वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली 2,280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में प्रमाण ग्रहण करेंगे। यानी सीमा सुरक्षा बल जो है ये 2,280 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करती है। आईपीएस अधिकारी इसके अलावा वीएसके कौमदी को वर्तमान में बीपीआरडी यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक जो है, उनको गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा यानी कि एसएस या आईएस के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, जावेद अख्तर जी हैं, उनको फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस और होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या मिलिट्री फोर्सेज हो, आपको हमारी दोनों ही तरह की सेनाओं को यानी कि सेना और अर्धसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो होती तो ये एकदम मतलब सेना की तरीके ही है, लेकिन इनके जो प्रभार है, इनके जो कार्य वगैरह है, वो देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर होते हैं। तो हाल फिलहाल बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड की, तो इनके सभी के हेड के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है इस समय हमें सर्वोच्च सेना अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी हैं, फिर उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में आप याद रखिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो एपी महेश्वरी वर्तमान समय में आपके सीआरपीएफ के हेड है, एसएस देसवाल वर्तमान समय में आईटीबीपी के हेड है, कुमार राजेश चंद्र जो वर्तमान समय में एसएसबी यानी कि सीमा सुरक्षा बल के सशस्त्र सीमा बल बॉर्डर बीएसएफ अलग है, ये सशस्त्र सीमा बल है। राजेश रंजन जो है वर्तमान समय में सीआईएसएफ यानी कि आपके जो पीएसयू होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, वहां पे जो सुरक्षा प्रदान करते हैं सीआईएसएफ से करते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, तो ये राजेश रंजन है। तो ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए और राकेश अस्थाना का नाम आप याद रखेंगे एज ए बीएसएफ के लिए। अभी हाल ही में इन्होंने एक समिट में भी भाग लिया है। अगली जानकारी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि 16 अगस्त 2018 को इनको देहांत हुआ था, 16 अगस्त 2019 को पहली हो गई, 16 अगस्त 2020 को दूसरी पुण्यतिथि हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने का सिफारिश किया और कर दिया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे जो होता है वो ये वाला जो एक्सप्रेस वे है ये शिवपुरी भिंड मुरैना से कोटा होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, मैं सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन से एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है, तो वो है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। अगली जानकारी की तरफ जाएं तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश में एक पास है रोहतांग दर्रा, उसमें टनल बनाई गई और उस टनल का नाम रखा गया है अटल टनल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक टनल बनाई गई रोहतांग टनल, और रोहतांग क्या है, ये कुल्लू से लेके आपका लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोहतांग जम्मू कश्मीर में है, जी नहीं, रोहतांग पास जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, इसकी सिचुएशन याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज मुझे और याद आ रही है, लखनऊ में एक चौराहा है हजरतगंज, हजरतगंज चौराहे का भी नाम जो है, हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदलकर अभी हाल ही में अटल चौक कर दिया गया था। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगली जानकारी एक किताब के बारे में, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम, कौन, अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा अभी हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 शीर्षक की एक नई किताब लिखी गई है। ये उनके द्वारा लिखी गई पुरानी किताब का सीक्वल है जो उन्होंने 1947 से लेकर 1971 के बारे में लिखा था। इस किताब में उन्होंने अभी तक जितने भी इस समय के दौरान जितने भी सेना ने ऑपरेशन किए हैं उनके बारे में बताया, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया और उस ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानी आई, मतलब उस तरह का एक पिक्चराइजेशन प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। नाम जरूर याद रखिएगा, अर्जुन सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल है और फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972
72 to 2020 और इंडियाज वॉर ए मिलिट्री हिस्ट्री का एक सीक्वल है, इनकी पुरानी किताब थी और इस पुस्तक में सभी ऑपरेशंस को शामिल किया गया है। अगली जानकारी है एयर बबल एग्रीमेंट। व्हाट इज एयर बबल एग्रीमेंट? देखिए एयर बबल एग्रीमेंट आपको पता होगा बेसिकली दो देशों के बीच होने वाला एक एयरलाइन समझौता है, एयर रूटवे समझौता है, यानी कि किस तरीके से उड़ाने उड़ेंगी, कौन से यात्री बैठेंगे, कौन से यात्री नहीं बैठेंगे, इन सब के बारे में समझौता किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, लेट अस सपोज अभी आपको पता है कि हमारे और कनाडा के बीच में कोई व्यापारिक उड़ान नहीं हो रही। व्यापारिक उड़ान का मतलब यह है कि अगर आपका मन करे मुंह उठा के आप कनाडा नहीं जा सकते। हाँ, आप एक एयर रूट के जरिए कनाडा जा सकते हैं, वो है वंदे भारत, और वंदे भारत के अलावा और किसी अभी हमारे पास कोई ऐसा रूट नहीं है जिससे हम कनाडा जा सके, क्योंकि सभी जो व्यापारिक उड़ाने हैं उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जिन दो देशों के बीच में एक समझौता होगा, जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में समझौता होगा कि ऐसा है कि आपके यहां कई सारे हमारे लोग हैं जो भारतीय हैं जो आपके यहां काम करते हैं, वो वापस काम पर आना चाहते हैं, या फिर कई सारे भारतीय ऐसे होंगे जो कनाडा में फंसे होंगे और कनाडा से वापस भारत आना चाहते होंगे, तो उन दोनों के बीच में एक स्पेशल फ्लाइट चलानी पड़ेगी ना, तभी तो दोनों देशों के बीच में हो पाएगा। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है उसे एयर बबल एग्रीमेंट कहते हैं। अब इस एयर बबल एग्रीमेंट में होगा क्या कि मान लीजिए आपको कनाडा जाना है तो आप दो एयरलाइन का चुनाव कर पाओगे, एयर इंडिया या एयर कनाडा। जो ऑफिशियल एयरलाइंस होंगी, जो ऑफिशियल एयरलाइन गवर्नमेंट द्वारा यानी कि सरकार द्वारा तय की गई हो, उन्हीं के जरिए आप ये अपना यात्रा कर पाओगे। इस एयर बबल समझौते के दौरान केवल बहुत जरूरी लोगों को ही आने जाने का मौका मिलता है, या जिनके पास प्रॉपरली वीजा होता है, यानी कि आप वीजा पे अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद आप जाएंगे, नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है और आप वर्क पोजीशन पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अब वंदे भारत के अलावा भी, वंदे भारत एक अभियान था जिसमें एयर इंडिया कई सारे देशों से बहुत सारे भारतीयों को वापस लाई थी, वो अभियान का 6 चरण चले उसमें, लेकिन अब इसका एक अलग रूप आ गया है जिसे हम एयर बबल समझौता कहेंगे। तो हाल फिलहाल पहला पड़ोसी देश रहा मालदीव। आप देख रहे हैं कि मालदीव के ऊपर काफी भारत जो है मेहरबान है, अभी हाल ही में $500 बिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, और मालदीव के जो राजधानी है वो माले है, मालदीव की जो करेंसी है वो रुफिया है, मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो है इब्राहिम मोहम्मद साले। तो हाल फिलहाल मालदीव के साथ यह समझौता किया गया है। मालदीव पहला पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौते के तहत परिवहन सेवाएं संचालित करेगा। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक ने घोषणा की है कि किसी भी प्रकार के वैध वीजा रखने वाले भारतीय एयर बबल समझौते के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की हवाई यात्रा कर सकते हैं, उन्हें वंदे भारत का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में बात करें तो अभी हाल ही में हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया, हरदीप पुरी जी ने बताया कि जब तक देश कोरोना संकट से मुक्त नहीं हो जाता तब तक एयर बबल्स की स्थिति बनी रहेगी। करार के तहत अमेरिका और यूनाइटेड एयरलाइंस 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानों का संचालन कर चुकी हैं। एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए कुल 28 फ्लाइट का संचालन कर चुकी हैं, और साथ ही जर्मनी एयरलाइंस की लुफ्थांसा भी 2 सप्ताह तक उड़ानें भरेगी। ब्रिटेन के साथ एयर बबल्स स्थापित करने को लेकर बात चल रही है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 12 जुलाई से उड़ानें जारी हो रही हैं। तो एक तरह से एयर बबल्स क्या हुआ, इट्स नथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है जिसमें दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे चलेंगे। अगली जानकारी बढ़िया, पढ़ाई तोहार पारा योजना। पढ़ाई तोहार पारा, पारा का मतलब शायद, आई थिंक, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना अंदाजा लग रहा है ये मोहल्ला होता है, तुम्हारे मोहल्ले तक, बिकॉज मैंने कुछ एकाध छत्तीसगढ़ के जो गाने देखे हैं उसमें वो शायद ऐसा ही इंडिकेट करते हैं। बाकी जो लोग छत्तीसगढ़ हैं वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर लिखकर बताइएगा कि पारा का मतलब क्या होता है, भूलिएगा मत, मेरा कहने का मतलब ये था। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तोहार पारा योजना शुरू करेगी। इस योजना में क्या होगा, एक पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र हैं तो वहां पर आपको आपकी पढ़ाई की कक्षाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षक भी अपने विद्यालय से जो भी है वो पढ़ा सकेंगे और आप वहां पर जाकर पढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो भी आपकी शिक्षा का नुकसान हुआ है वो कवरअप हो जाएगा, और लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमें ऑनलाइन शिक्षा योजना पढ़ाई तुहर द्वार शुरू की थी, जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है तथा 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम गांवों में समुदाय की सहायता से
बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरुआत कर रही है, ताकि जहां पर इंटरनेट का अभाव वाले हैं वहां पे ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुलटू के बोल का उपयोग किया जाकर और वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाई तुहार द्वार एक उन्होंने पोर्टल बनाया और उसी का एक क्रम पे लेके आगे गए हैं पढ़ाई तुहार पारा, और जहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पर बुलटू के बोल नाम की योजना शुरू की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में अगर हम बात करें, आज मैं पूरी डिटेल स्लाइड नहीं ले पाया हूं, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसको। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना नाम की एक योजना शुरू हुई थी, जिसमें गोबर के बदले पैसे मिलने थे, और ये जो योजना थी उसका पूरा उद्देश्य था कि जो चराई करते हैं लोग, यानी कि अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, वो खुला ना छोड़े, वापस से वो अब जानवरों को पकड़ के रखें। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वर्तमान समय में राज्यपाल हैं अनुसुईया यूके, राजधानी आप सभी जानते ही है कि रायपुर है। अगली जानकारी तब चलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने हेतु दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। बैठक में गठबंधन में सभी सदस्य देश मंत्री हिस्सा लेंगे। तो 8 सितंबर को ISA की बैठक होने वाली है। अगली जानकारी है, गोवा के राज्यपाल सतपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, उन्हें मेघालय भेजा गया है, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल है। लालजी टंडन का अभी हाल ही में निधन हो गया था, और दोनों राज्यपाल की नियुक्ति उसी दिन से अमल में लाई जाएगी जिस दिन वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो गोवा के राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब कहां का राज्यपाल बनाया गया, मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो सत्यपाल मलिक के बारे में याद रखिएगा कि अब वो गोवा के राज्यपाल नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय रेल एक बड़ा खिताब हासिल करने जा रही है या बड़ा काम करने जा रही है कि भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास इजाई नदी पर बन रहा है, मणिपुर में बन रहा है, यह याद रखिएगा। और ये मैंने कम्युनिटी पे पूछा भी था कि जो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, पुल के सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई 141 मीटर है, यानी कि हाइट वाइज देखा जाए तो यह सब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा पुल यूरोप के मॉन्टीनिग्रो में माला रिजिका वायडॉक्ट को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। इस पुल पर लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। अभी आपको यह बताना है कि दुनिया का, आज कमेंट सेक्शन पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहां पर है। या आई एम आस्किंग अबाउट रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल, ऊंचा रेल पुल, ऊंचे रेल पुल की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा नहीं, ऊंचा रेल पुल हाइट में, यह कहां पर है और किस नदी पर बना हुआ है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की रूस की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, और यह मीटिंग एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक है। इस दौरान नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। राकेश अस्थाना का नाम दोबारा आया है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में मादक पदार्थों की स्थिति, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय रुझान और मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के प्रभाव पर चर्चा की गई। यहां पर सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि इस बैठक में सबसे बड़ा बात यह हुई, डार्क नेट नाम का एक वर्ड यहां पे यूज किया गया कि आजकल जो मादक द्रव्य बेचने वाले हैं, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, वो डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डार्क नेट एक ऐसा जाल है या एक ऐसा इंटरनेट है जिसमें मतलब जो नॉर्मल आपकी साइट होती है, जैसे गूगल होगी या आपकी ब्राउजर वगैरह होते हैं, वो आपकी एक हिस्ट्री रखते हैं कि ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन डार्क नेट का जब आप यूज करते हो तो एक तरह से पायरेटेड होता है, एक तरह से हैकिंग वाला सिस्टम आप समझ लीजिए कि उसमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन कहां पर किसको मैसेज भेज रहा है। तो हाल फिलहाल ब्रिक्स देशों की एक एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई है, और इसमें किसने भाग लिया, राकेश अस्थाना ने। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों में इस टाइम चेयर पर रूस है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, KV कामत कुंडापुर वमन कामत जी ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया,
उनकी जगह मार्कोस प्रेडो ट्रेजो वर्तमान समय में एनडीबी के हेड बन चुके हैं। एनडीबी को विश्व का सबसे बड़ा बैंक कहते हैं बिकॉज ये विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? शंघाई चीन में। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों को सहायता पहुंचाने के लिए की गई थी। अगली जानकारी है, स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने जा रही है। न्यूनतम आयु की बात करें तो भारत में महिलाओं की न्यूनतम आयु यानी कि विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। उससे नीचे यानी उससे कम उम्र पर अगर कोई महिला विवाह करती है तो उसे इलीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 18 वर्ष महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए यानी पुरुषों के लिए 21 वर्ष आयु है। जबकि चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 20 साल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 22 साल, यानी कि उससे पहले वो शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। बांग्लादेश में भी 21 और 18 चलता है, इंडिया में भी 21 और 18 चलता है, जबकि जापान में 20 और 20 यानी कि दोनों की बराबर की गई है। यूएस में 18 और 18 है, ब्राजील में भी 18 और 18 है, रशिया में भी 18 और 18 है, यूके में भी 18 और 18 है, मलेशिया में पुरुषों की 18 है जबकि महिलाओं की 16 है, और ईरान में तो इसको कोई डिफाइन ही नहीं किया गया है, जबकि पुरुष जो है वो वहां पर 13 साल में शादी कर सकते हैं या 13 साल में विवाह कर सकते हैं। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखा गया कि भारत में कई सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत कमजोर अवस्था में, यानी कि जब वो बेबी को जन्म देती हैं तो बहुत कमजोर पाई जाती हैं, और इसका एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जिस उम्र में उनका विवाह हो जा रहा है उस टाइम वो परपक्व नहीं होती। इसको लेकर एनालिसिस चलेगा और जया जेटली जो समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, टास्क फोर्स गठित किया गया जो ये देखेगा कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड बाल लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसे प्रमुख मापदंडों की जांच करेगी, और इसलिए विवाह की आयु को 18 वर्ष को 21 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया जाएगा। तो अध्यक्ष जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो ये ट्राई कर रही है, जो ये देख रही है कि वाकई में महिलाओं की जो विवाह लायक उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। जया जेटली जी की बात की जाए तो इनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काफी जोड़ा गया। जया जेटली भारतीय राजनेता एवं समता पार्टी की भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, और इनकी एक किताब अभी बहुत चर्चा में थी, लाइफ एमंग द स्कॉर्पियंस। ये बुक जो ये काफी ज्यादा चर्चा में थी, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जया जेटली की किताब क्या है, लाइफ एमंग द स्कॉर्पियंस। अब बारी न्यूज फटाफट की। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज जी का भी हाल ही में निधन हो गया। ये मेवाती घराने से ताल्लुक रखते थे और वी शांता राम की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था, वो अपने जमाने की एक बहुत बड़ी घटना थी। तो जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का भी हाल ही में अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे 90 साल के थे। नासा ने 2019 में पंडित जसराज जी के नाम पर 13 साल पुराने खोजे गए एक ग्रह का नाम रखा गया था। ग्रह की खोज नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी और ग्रह का नाम पंडित जसराज के जन्मतिथि के उलट रखा गया था। तो हाल फिलहाल शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक रखते थे, अभी हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया। अब बारी है आज के वन लाइनर की। वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया, और ये तो वो देश कौन सा रहा? मालदीव। किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के 4 सत्र की अध्यक्षता की है? तो रूस रहा 4th सत्र की अध्यक्षता की। और कौन सा राज्य सरकार पढ़ाई तोहार पारा नाम की योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। और मातृत्व तो आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण में या कुल मिला के महिलाओं के लिए जो विवाह लायक उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। ओसो वॉग यानी कि ओसो या OSOWOG योजना में कितने देशों को शामिल किया जाएगा? 140 देशों को। किस राज्य सरकार ने राज्य की जनता के सतत आर्थिक गतिविधि के लिए येलो चेन नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, कॉमर्शियल पोर्टल? तो वो है नागालैंड, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। और भारत सरकार ने किसको सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेड नियुक्त किया गया है? तो वो है नॉर्केटिक्स के हेड राकेश अस्थाना। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की बात की है? अटल बिहारी वाजपेयी के। फिट इंडिया यूथ क्लब किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? खेल मंत्री या खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू। किसके द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 पुस्तक लिखी गई है? अर्जुन सुब्रमण्यम। और अंतरराष्ट्रीय सौर संघ के पहले विश्व
सौर प्रौद्योगिकी शिखर की बैठक का उद्घाटन कौन करेगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे 8 सितंबर को। किसको मेघालय का किया गया है? तो मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक को। भारतीय रेल किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है? मणिपुर में इजाई नदी पर। और शास्त्रीय गायक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, पंडित जसराज, जिनके नाम पर नासा ने एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा था। किस देश ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता की? तो वो है रशिया। कौन सा राज्य सरकार पढ़ाई तोहार पारा नाम की योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत एयरबल समझौता करने जा रहा है? तो वह है मालदीव। और मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। उस टास्क फोर्स की अध्यक्ष कौन है? जया जेटली। ओसो वोग यानी कि OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, देश में कितने देशों को शामिल किया जाएगा? 140 देशों को शामिल करने की योजना है। किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो येलो चेन जो शुरू किया है वो शुरू किया है नागालैंड ने। भारत सरकार ने किसको सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना। और किस मंत्री द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की गई है? तो वो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और किसके द्वारा फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020 शीर्षक नामक किताब लिखी गई है? उनका नाम है अर्जुन सुब्रमण्यम, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल। एंड अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन कौन करेंगे? तो वो नरेंद्र मोदी जी 8 सितंबर में करेंगे, वर्चुअल होगा ये। किसको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को। और भारतीय रेल किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है? सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करने जा रही है मणिपुर में इजाई नदी के ऊपर, ये पुल बन रहा है, 141 मीटर का रहेगा। और जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का भी हाल ही में निधन हो गया, वो कई सारे लोगों के गुरु थे। और फिलहाल ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।